डियर फ्रेंड्स, अभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर पे जो मोडी कल्याणी एंड मिलर अप्रोच है उसको देखेंगे, और उसमें भी हम फर्स्ट पार्ट इनकी थ्योरी का देखेंगे जो कि इन्होंने दिया है परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट के केस में। रियल वर्ल्ड के लिए नहीं, बल्कि परफेक्टली एफिशिएंट अगर मार्केट्स हों तो इनका जो पहला या कहें कि ये फर्स्ट थ्योरी है ये काम करेगा। और अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो दूसरा वाला जो थ्योरी है इनका सेकंड पार्ट, उसको हम बाद में समझेंगे। तो फर्स्ट वर्जन आपका कहता है कि परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट अगर हो, दैट मींस परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट के फीचर्स क्या हैं कि देर आर नो टैक्सेस। फर्स्ट फीचर, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, देर आर नो टैक्सेस। विदाउट थ्योरी विदाउट टैक्सेस, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा फीचर परफेक्ट मार्केट का, या कहें कि इस थ्योरी की अजम्पशंस वही हैं जो परफेक्टली मार्केट, परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट के फीचर्स होते हैं, कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप सिक्योरिटीज बाय सेल करते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको नहीं लगती है, ठीक है। तो आप इक्विटी शेयर बाय करें या सेल करके निकलें, आपको कोई कॉस्ट नहीं आने वाली, ठीक है। देयर इज सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपके इन्वेस्टर्स के बीच जो इंफॉर्मेशन है वो समान रूप से फैली हुई है। देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर कोई कंपनी कोई सिक्योरिटीज इश्यू करती है तो कोई ब्रोकरेज वगैरह उसे पे नहीं करना पड़ता, कोई कमीशन वगैरह उसे पे नहीं करना पड़ता, नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज देयर, ठीक है। तो परफेक्टली एफिशिएंट मार्केट में आप देखिए इनकी थ्योरी क्या कहती है। इनकी थ्योरी दो प्रोपोजिशन के जरिए इस चीज को नकारती है कि डेट का यूज जो है किसी तरीके से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को प्रभावित करेगा। दैट मींस ये थ्योरी कहती है कि डेट लेवल ऑफ डेट और द डेट कंपोनेंट यूज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर हैज नो बियरिंग, हैज नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। आप जितना चाहे लेवरेज इस्तेमाल करिए उसका कोई फर्क आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा डेब्ट का इस्तेमाल करने से। तो डेब्ट इक्विटी रेशो आपका चाहे जो रहे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहनी है। इसको इन्होंने प्रपोजिशन वन के जरिए क्लियर किया या कहें कि एक्सप्लेन किया। प्रपोजिशन वन कहती है वैल्यू ऑफ द लेवरेज फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेब्ट का मेन एडवांटेज है, आपको डेब्ट बढ़ाना का मेन जो फायदा है, दो तरीके के फायदे हम डेब्ट से देखते हैं, आप जानते हैं कि एक तो डेब्ट का ये चीप है, सस्ता है, इट इज चीपेस्ट, सस्ता पड़ता है इक्विटी वगैरह के मुकाबले। दूसरा जो इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट पेड ऑन डेब्ट इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस, इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस। आप जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स लायबिलिटीज अपनी कैलकुलेट करते हैं, तो उसको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले अपने रेवेन्यू में से जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं डेब्ट पे, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं आप डेब्ट पे, वो इंटरेस्ट आपकी घटा दी जाती है आपकी रेवेन्यू में से, और बची हुई अमाउंट पे ही आपको टैक्स देना होता है। तो जब आपने ये मान लिया कि टैक्सेस हैं ही नहीं, टैक्सेस हैं ही नहीं इस थ्योरी में, सबसे पहले यही माना है परफेक्ट मार्केट के कारण, तो जब टैक्सेस हैं ही नहीं तो टैक्स बेनिफिट आपको कहां से मिलेगा। सो जो आपका इंटरेस्ट का मेन एडवांटेज या कहेंगे एक एडवांटेज है, दैट इट इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पसेस, ये आपको नहीं मिलने जा रहा है। इज इट क्लियर? बिकॉज टैक्सेस आर नॉट देयर। तो आपका कहने का मतलब यह है कि तब आपकी वैल्यू ऑफ द फॉर्म, वैल्यू ऑफ द लेवरेज फॉर्म will be equal to the value of the unleveraged form, ठीक है।
आपका इंटरेस्ट कोई असर यहां डालने वाली नहीं है, टैक्सेस के रूप में आपको कोई फायदा पहुंचाने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपका एक चीज को ये नकार दिया, और दूसरा जो बेनिफिट आपने कहा कि ये सस्ता है उसको भी ये नकारते हैं दूसरी प्रोपोजिशन के द्वारा। इन्होंने कहा कि अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखें, और कॉस्ट ऐसी इक्विटी की जो लेवरेज्ड है, कॉस्ट ऑफ लेवरेज्ड फर्म अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अनलेवरेज्ड इक्विटी प्लस डेट इक्विटी रेशियो, और ब्रैकेट में आपका कॉस्ट ऑफ अनलेवरेज्ड इक्विटी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट। दैट मींस डेट आपका, या कहें कि लेवरेज का जो डिग्री है, इट हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी, और वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपनीज लेवरेज लेवल। कॉस्ट ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपनीज डेट इक्विटी रेशियो लेवरेज लेवल। तो जैसे जैसे आप यहां देखें डेट है, डेट जैसे जैसे बढ़ेगा उसका असर आपके यहां कॉस्ट ऑफ लेवरेज्ड इक्विटी पे पड़ेगा, ये बढ़ेगी। ये डेट जैसे डेट का कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ेगा, उसका सीधा असर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे पड़ेगा। ये इस डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपने डेब्ट का पोर्शन बढ़ता देख रहे हैं, इधर आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद वो भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने डेब्ट बढ़ाया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी इधर देख रहे हैं आप बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तुरंत डेब्ट के लेवल के साथ साथ बढ़ती जा रही है। दैट मींस आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो जो का त्यों बना रहेगा। डेब्ट सस्ते डेब्ट के कारण इसमें गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप कॉस्ट ये डेब्ट का लेवल बढ़ा रहे, ठीक है। तो आपकी जो डेब्ट सस्ते होने के कारण आपको आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरनी चाहिए थी, वो नहीं गिर रही है। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट हैज नो फॉल, इट शोज नो फॉल विद द यूज ऑफ डेब्ट, विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेब्ट, ठीक है। तो डेब्ट का कोई फायदा आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे नहीं दिख रहा है, भले ही ये सस्ता है, क्योंकि दूसरी तरफ आपकी इक्विटी जो है वो महंगी हो गई। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्विटी होल्डर्स का या ओनर्स का वो भी बढ़ गया, क्योंकि ऐसे सूरत में जहां आप जैसे डेब्ट बढ़ाते हैं वो फाइनेंशियल रिस्क जो है परसीव करते हैं, उनको फर्म जो है थोड़ी रिस्की नजर आती है, और उसके साथ उनकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बढ़ता जाता है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं, और ऐसे करके इन्होंने डेब्ट के जो दो फायदे थे उन दोनों को नकार दिया, अगर टैक्सेस नहीं है तो। परफेक्ट मार्केट है तो आपका डेब्ट कोई फायदा आपको नहीं देने जा रहा है वैल्यू ऑफ द फॉर्म में, और दूसरी तरफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई कमी नहीं आ रही आपकी, भले ही आप कितना भी डेब्ट इस्तेमाल कर लें, क्योंकि दूसरी तरफ आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है।